करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। सुभान अल्लाह, अमराती हुकूमत ने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना डाला। 24 घंटों में 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगा दी। अमराती हेल्थ सेक्टर का शुमार दुनिया के बेहतरीन हेल्थ सेक्टर्स में होता है। इसी वजह से अमारात में कोरोना की यौमिया टेस्टिंग की शरह दुनिया भर में बेहतरीन रही है। इसके बाद नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ तो जल्द ही यौमिया वैक्सीनेशन की शरह 1 लाख से बढ़ गई थी, जिस पर दुनिया भर में अमराती हकाम की कोरोना के खिलाफ मौसर मुहिम को सराहा गया। ताहम अब अमारात ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बना डाला है। अमारात में पिछले 24 घंटों के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है। अमराती वजारत सेहत के मुताबिक एक रोज़ के दौरान 1,50,097 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। वजारत सेहत की जानिब से बताया गया है कि यौमिया 1.5 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ कोई आसान नहीं था। इसमें तिब्बी अमले, हकूमती इदारों और लोगों के भरपूर तावन का अमल दखल है। आज के रोज़ अमारात में कोरोना वैक्सीन की दी जाने वाली खुराकों की गिनती 69 लाख तक पहुंच गई है, जिसके बाद अमारात की आबादी को वैक्सीन दिए जाने की शरह 70.5% हो गई है। अब तक अमारात की 50% आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है। अमराती वजीर सेहत अब्दुल रहमान अल अवैस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि टारगेट ग्रुप के 52.46 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। अब तक 70.21 मामर और दायमी अमराज के शिकार अफराद को वैक्सीन दी गई है। इस वक्त अमारात भर में 205 सेंटर्स कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। अगले 1-2 रोज़ में कोरोना की 70 लाख खुराकें दिए जाने का हदफ पूरा हो जाएगा। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।